कर जा। मारेंगे पुलिस में जाएंगे ये तो भाई। और अब लगाऊंगी मैं पोछा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रात को क्योंकि मेरे सर में दर्द था तो मैं बस सो गई और सुबह वॉक के लिए मुझसे नहीं उठा गया और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे। लेकिन कुछ भी हो जाए आपकी बहन ने वॉक करना नहीं छोड़ना। मैं उठ गई हूँ, बस मैं रेडी हूँ कि तो मैं जाती हूँ और आप लोग भी मेरे साथ चलो। मैंने शूज पहन लिए हैं और क्या कहते हैं, अब हम लोग जाने लगे और शाहरुख की बाइक के हाथ चल देखे, इसको बनवाना है अभी। वो मेरा मुँह कितना गोल लग रहा है ना, गोल है तो गोल ही रहेगा ना। शाहरुख आ जाओ, नहीं आ रहे हो बताओ। हमारा पेट्रोल खत्म है, यहाँ से पेट्रोल हमारा लास्ट भी बन गया। उन्होंने बोला कि 3:30 बजे खुलेगा, अभी हम लोग लेट हो गए तो हम दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। क्या हुआ? चलो फिर हम लोग आ गए हैं आंटी पार्क। ये कौन सा पार्क है फिर? अमीर खुसरो पार्क। इस पार्क का नाम है अमीर खुसरो पार्क। तो चलो चलते हैं अंदर। पार्क चाहे कोई सा भी हो, मुझे सिर्फ जाना है इधर, क्या कहते हैं उसको, वॉक करने के लिए जाना। भाई कितनी टिकट है? सही है। और ये रही वॉक करने की जगह, तो चले। और देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग कितनी अच्छी होती है ना। मैं कितना आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, यहाँ के मैं चलो 2 राउंड लगा लूँ क्योंकि स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में कहाँगा शाहरुख तुम बैठ जाओ, सब बोल रहे थे कर कि शाहरुख को मत साथ लेकर चलाया करो क्योंकि वो जितना वो दिखेगा भी नहीं। फिर मोबाइल में लेके जाऊंगी, सॉन्ग सुनूंगी। हाँ सही है, यहाँ के यहाँ पे कोई झूला नहीं है और मतलब नो झूला नो मस्ती, सिर्फ काम। अच्छा मैंने तकरीबन 3 चक्कर लगाए और मुझे भी एलर्जी हो रही है शाहरुख की तरह। खैर मैंने 3 चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह लगा लिए यहाँ के। और ये पार्क वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब मैं कल आऊँगी, मैं घर जा रही हूँ, घर जाकर नाश्ता करना है और एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है। चलो चलते, चलो आ जाओ शाहरुख। शाहरुख और मुझे देखे बिल्कुल सेम हम लोग ड्रेसिंग की हुई, हम लोगों ने बैठ के खाना खाए। लेकिन इसको ये कह रहा है मुझे बेड पर ही बैठना है, बेड ख़राब हो जाएगा, बेड की बेडशीट ख़राब करना चाहता है ये। क्यों नहीं मुझे बैठ के खाना खाते? नहीं बेड पर नहीं, नीचे बैठ खाना खाओगे तो नहीं खाओगे तो फिर खाना नहीं मिलेगा, जाओ भाग जाओ यहाँ से। अच्छा वॉक करके तो मैं आ गई थी और नाश्ता किया, उसके बाद मुझे घर की सफाई करनी है, घर ला के रख दे, घर इतना गंदा हो रहा था, सफाई कर लो। उसके बाद मैं सितारा के घर जाना है, सितारा जा रही है तमन्ना की शॉपिंग करने, तो आई हूँ घर में अकेली है तो नायक के पास। तो पहले से ही सही थी, मतलब झाड़ू लगाने से पहले ना मैंने बेडशीट सीट कर सही कर ली थी। अब खुद को देखते शीशे में और उसके अलावा कोई काम नहीं हो, इसलिए इसको पड़ेगा चाटा। कि आप लोग को पता है कि मैंने झाड़ू लगा लिया है और अब लगाऊंगी मैं पोछा। पोछा भी जरूरी, मोप अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो लेट्स स्टार्ट। तमन्ना ने भी पिंक पहन लिया था, ऑरेंज है, पिंक नहीं है। अच्छा ऑरेंज है, पिंक भी तो है नहीं थे तो अभी बचावा है ना। कॉपी की कॉपी की कॉपी। और ये रहा मेरा छोटा जो बच्चा है, गंदा बच्चा, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है। मैं आ गई हूँ छत पर और मैं तमन्ना और शाहरुख कभी खेलने लगे हैं क्या? फुटबॉल। फुटबॉल तुम्हारी आवाज क्यों नहीं शाहरुख? बोला क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं, बोलो फुटबॉल। अब सही है शाहरुख, तुम वीडियो बनाओ, हम दोनों खेलेंगे। ओए मुर्गा बच गया, ओए दिखाओ नीचे
मामू साजी चला गया रोड में नीचे सिंक में पड़ी गया। ब्रेकिंग न्यूज़, का पुत्र ने दिया अंडा और माओ यहीं पे घूम रही है अंडा खाने के लिए। इसका ऑमलेट बना के खाएगी माओ। अच्छा बहुत एंजॉय किया है यहाँ पर अभी ना मैंने और तमन्ना ने, और अभी तमन्ना जा रही है, मैं उसको बहुत सच में बहुत ज्यादा मिस करूंगी। तमन्ना तो मुझे मिस करोगी? पहले ये तो बताओ जहाँ खा रही हूँ। मदीना जा रही हो जब बोल उसको तो अभी टाइम है ना, तो जब भी जाओगी तो मिस करूंगी ना मैं वीडियो कॉल किया करूंगी। ये मुझे वीडियो कॉल किया करेगी। अच्छा और क्या कहते हैं इसको, आज के दिन में बहुत एंजॉय किया। मैं ट्राई कोशिश करती हूँ कि मतलब मैं आप लोग के लिए जितना हो सके इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाया करूँ जितना हो सके, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे अगर मैं कुछ दिखा रही हूँ कि आप लोग परेशान हो टेंस हो तो आपका जो है परेशानी ख़त्म हो जाए मेरा ब्लॉग देख के, मेरा यही कोशिश होती है। और बस कुछ नहीं, मैंने अपना दर्शन दे दिया, अल्लाह हाफिज़। क्या कर रही हूँ? माओ को देखे अंडे के पर बैठी, माओ बहुत बुरी बात होती है, वो भी इंसान है, सॉरी वो इंसान है, वो उनके भी अंदर जान है, उनके साथ ऐसा नहीं करते। माओ नहीं उनके अंडे, इसको नीचे ले चलो, माओ तो बहुत अच्छी बच्ची, बच्चा शहजादा मेरा, अल्लाह है, डर के मर रहे हैं। क्यों आए मुनी ऐसा करती हो तुम, पागल हो गई हो क्या? माओ तो माओ पे गुस्सा आता है, मैं माओ कहती माओ मुकाली क्या, कुछ नहीं बोलता, मुर्गियों से डरता है ये माओ। चलो माओ ये शाहरुख के साथ आराम से सोई भी है, उसको यहीं पे अच्छा लग रहा है। हाँ शाहरुख आराम, सॉरी तुम्हारे पास ऐसे करते ऐसे से वो सो जाती है, उसको मज़ा आता है। ये पिलो ले लो, इसके ऊपर रख के सो जाओ सर। आया तभी सो जाएगी तुम्हारे साथ शाहरुख, इसको इसके साथ इतना सुकून आता है, मेरे पास इतना मतलब मैं संभाल लूँगी अगर शाहरुख चला जाता, लेकिन इसके पास बहुत कम्फर्टेबल रहती है। लाइट ऑफ करके उसको सुला के ये पर ही जा रही हूँ, पर्दा कर देते हैं बंद, अंधेरा हो गया, अभी आराम से सो जाएगा। जो पहले मैंने ड्रेस पहना हुआ था येलो वाला, वो शाहरुख को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं मैंगो लग रही हूँ, और उसको मुझे कहीं भी लेकर जाने में शर्म आ रही थी। खैर तो मैंने चेंज कर ली, ये मेरा दूसरा ड्रेस है, ये मेरा इसके नीचे है ग्रीन, इसका वो है टाइट साइज के साथ और ग्रीन दुपट्टा है, और ये वाइट एंड ग्रीन इस पर मिक्सर है इसका, और ये भी मुझे पड़ा है 1800 में पाकिस्तान के, और ये बहुत खूबसूरत है, ये तो है भी बहुत लूज लूज और ये बहुत अच्छा है। और हमारी गली में लड़ाई हो, हमारी गली में हफ्ते में एक बार लड़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। दिल को कुछ होता है, ऑक्सीजन नहीं आता हमारी गली वालों को। अभी हो रही है लड़ाई, आवाज तो आप लोग को अब मार रहे एक दूसरे को, अब मारेंगे पुलिस में जाएंगे, ये तो भाई हमारी गली में, जब मतलब हमारी गली में कहते हैं मशहूर गली, लड़ाई नहीं होगी तो गली में कोई इज्जत ही नहीं है। इस गली में कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में लड़ाई ना हुई हो। खैर शुगर लगा रहता है। मुझे पर्सनली शुरू में बहुत गुस्सा था, कैसे क्यों लड़ते क्यों लड़ते, और मैं डर जाती थी, मैं रोती भी थी, लेकिन अब मैं यूज टू हो गई हूँ। सही है, गुजरना है, कुछ भी हो जाए इधर ही रहना है, शादी हो गई है आप कहीं नहीं जा सकते। बस आप लोग दुआ करें जल्दी से ना मैं एक अपना घर ले लूँ, ताकि मैं यहाँ पे यकीन जाने इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, अभी भी बहुत सब एक दूसरे को मार रहे हैं, पता नहीं पीट रहे क्या कर रहे हैं, और मैं अच्छा कब से घर में बैठी हुई तो मस्ती सूझ रही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि काचा बादाम किस किस को अच्छा लगता है सॉन्ग जो है? अच्छा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और इसका जो मुझ पर फीवर चढ़ा था मैं आप लोगों को बताती हूँ मैं कैसे कैसे इसको करती थी। ये अच्छा है ना देखो। हाँ बादाम बादाम है दादा का चा बादाम। नाना नाना बादाम बादाम है दादा का चा बादाम। बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम, अम्मा दा के नाले नो तो कच्चा बादाम, अम्मा जा के बात से तो खा चक्कर जाओ कच्चा बादाम। तो ये थी मेरी काचा बादाम स्टोरी। मेरे जैसे गाना न्यू रिलीज हुआ ना, तो फिर उसके बाद मुझे जो इसका फीवर चला उससे शाहरुख सच में ऐसा तंग था। अच्छा तो एक दफा ने तकरीबन मैं तो 46-47 एटलीस्ट कमेंट आए होंगे इस बारे कि मैंने और शाहरुख ने भाग के शादी की है, और इसमें उन्होंने पॉइंट ये बताया कि मेरे घर में फर्नीचर कम है तो इसलिए मैंने भाग के शादी की है, और मेरे ससुराल वाले भी नहीं दिखते तो मैंने भाग के शादी नहीं की है।
मेरे घर वालों ने करवाई है पिक्चर वगैरह सब देख लें। और मेरे ससुराल में मतलब मेरी जो है सासू मम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर में फर्नीचर इतना ही था। और आप लोग को जैसा कि पता है कि अभी दिल भाई वालों का खैर अभी सही है हमारे हालात, लेकिन उस टाइम ना नहीं था इतना सब कुछ भाइयों के पास कि मुझे सब कुछ दे सकते। लेकिन जितना उनसे हो सका उसका अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, और वो भी मेरे लिए बहुत है। तो खैर फर्नीचर इसलिए ज़्यादा नहीं दिया था, खैर ये भी दिया इस टाइम, ये भी बहुत एक्सपेंसिव था, ये दिया बर्तन वगैरह हर चीज़ लेके दी थी। तो मैंने भाग के शादी नहीं की, मैंने कहा आप लोग बता दो मैंने भाग के शादी नहीं की, ठीक है। तो ये था, मैंने कहा आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूँ। और उसके अलावा बताइएगा कि मेरा ये हेयर स्टाइल आप लोगों को कैसा लग रहा है, कभी अच्छा लग रहा तो मैं ऐसा ही रखूँगी। अब रात के जो है 12:35 हो रहे हैं और मैं मम नदीम के पास आई हूँ, क्योंकि मम नदीम से मिलना भी बहुत ज़रूरी, मम नदीम से नहीं मिलो तो दिन मेरा आधा आधा रह जाता है। अम आपका दिन कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा, बस काम कर करके मैं अभी आया हूँ। देख ले कितने मम कमज़ोर लग रहे अच्छा तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और आज जो मैंने बादाम वाली स्टोरी लगा बनाई है इसमें स्टोरी, अगर आप लोग को ऐसी स्टोरीज अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में भी ऐसी स्टोरीज लेकर आऊँगी। मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।